दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और आज सैटरडे है यहाँ पर एडमिंटन में। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं राहुल, ये दुबई से जुड़े हुए हैं और कुछ बातें हमें बताने वाले हैं कि दुबई में इमिग्रेशन इंडस्ट्री कैसी है, क्या हो रहा है। और इनकी अपनी कुछ कहानी भी थी, शायद कंसल्टेंट्स के पास इनको कोई ऑप्शन दे रहे हैं, तो उसके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। आप अपने अपने बारे में कुछ अगर बताना चाहें कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपकी मर्जी है, जितना बताना चाहें उतना उतना काफी है, अगर आप चाहें तो बता। जी जी सर, राहुल आनंद मेरा नाम है, रहने वाला मैं कानपुर शहर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हूँ। तकरीबन 6.5 साल से मैं UAE में हूँ, दुबई में। उससे पहले मैं इंडिया में एक एयरलाइंस के साथ काम करता था। थ्रू आउट जो मेरा करियर रहा है वो आई हैव सर्व्ड एज अ फ्लाइट अटेंडेंट। हाउएवर अभी का जो करंट सिनेरियो है कोविड की वजह से, एज यू नो देयर्स अ लॉट ऑफ जॉब लॉसेस, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। लेकिन एक्चुअली मैं जॉब जाने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग मोर ऑप्शंस, आई रियलाइज कि एविएशन से हटके मेरे पास और कुछ ज्यादा ऑप्शन है नहीं, एंड एविएशन इज नॉट गोना बाउंस बैक फॉर अनदर कपल ऑफ इयर्स, मे बी 3 इयर्स। सो इन दैट केस आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू हैव अ डिग्री एंड आई नीड टू हैव मोर स्किल। तो सर इसके चलते हुए फिर मैंने कैनेडा के बारे में सोचा, एंड ऑफकोर्स वहाँ पे सर जो जाना चाहता है, चाहे जिस भी रास्ते से जाए, PR बंदा चाहते ही एंड में हो जाए। तो सर मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी इसके बारे में, जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी वही YouTube से गैदर करी हुई, एंड आपके चैनल से मेरे को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। अनफॉर्चुनेटली आई कम अक्रॉस योर चैनल आफ्टर आई साइन अप विद एजेंट। आई विश उससे पहले अगर हुआ होता तो situation would have been more falling in my favor. So coming to the main situation, jo UAE ke andar consultant baithe hue hain, I don't want to name anybody right now, but very well known consultancies hain jo India mein bhi hain, yahan pe bhi hain, aur bhi kuch hisson mein duniya mein wo operate karte hain. To sir बात ऐसी है कि when they want you to sign up with them, they are after your life, which I understand, but prices are pretty high over here. For example, मैंने 8,000 dirham की फीस भरी है उनकी, जो कि upfront फीस है, and then they are not up to the mark. Plus, how I realize that they are not up to the mark, because मेरे को ज़्यादा information नहीं है इन सब चीज़ों की. पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बड़ी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होती है और इसके लिए आदमी को कुछ ज़्यादा ज्ञान चाहिए नहीं. तो मैं आपको दो बात बताता हूँ जिसकी वजह से आई लॉस्ट माय ट्रस्ट जी. पहली बात ये थी कि मेरा एक बार रिजेक्शन हुआ था USA का टूरिस्ट वीज़ा का. सन 2018 में मैंने अप्लाई किया था और वो रिजेक्शन हो गया था. तो मैंने अपने कंसल्टेंट से पूछा कि ये चीज़ मेरे को वहाँ पे डिस्क्लोज करनी चाहिए व्हेन वी आर एट द लेवल जहाँ पे हमें वीजा अप्लाई करना होगा. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट कंट्री. एंड आई वाज रियली शॉक, मेरे को लगा कि डिफरेंट कंट्री तो है लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि डेटाबेस तो शेयर होता होगा बिकॉज दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं. उसके बाद सर दूसरी एक बात और आई थी, उन्होंने मुझसे बोला कि बातों बातों में कि आप अगर वीज़ा ऑफिसर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है और वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी वहाँ जाने के क्या मंशा है, लाइक व्हाट इज़ योर रीज़न, तो आप उनको ऑनेस्टली बता दो कि ये मैं PR के लिए जा रहा हूँ एंड दिस इज आई एम चूजिंग एज अ पाथवे. सो दैट वॉज अ शॉक ऑफ माई लाइफ एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई फेल दैट I'm in wrong hands and probably ये लोग या तो खुद knowledgeable नहीं है और they're just doing an experiment with my case. However, all in all, जो भी situation है, मेरे को ये लगा कि नुकसान मेरा ना हो जाए because I want to reach Canada, of course, but in a right way. और मैं ये नहीं चाहता था कि
मेरा केस ही किसी तरीके से खराब कर दें। दूसरी बात सर यहाँ पे ये है कि मैं खुद भी कर सकता था ये जितना भी प्रोसेस है, बट आई हायर्ड अ प्रोफेशनल बिकॉज आई वॉज बिजी इन फाइंडिंग अ न्यू जॉब, और मेरे को लगा कि सैम एंड डेनिस ली आई एम गोना सेव टाइम एंड दे विल डू द ड्यू डिलिजेंस एंड दे गोना पुल थिंग्स फॉर मी। बट इवेंचुअली मैं अभी ये तो नहीं बोलूंगा दैट सिचुएशन हैज बैकफायर्ड मी, बट अगर मैं थोड़ी ढील बरतूंगा तो इट माइट बैकफायर मी। तो मेरी ये बड़ी रिक्वेस्ट है जो स्कूल से बच्चे पास हो रहे हैं या जो मेरे सिचुएशन के लोग हैं, कि किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले 100 बार आप सोचें, 100 नहीं 1000 बार सोचें, अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है, एंड थिंग्स दे माइट लुक लिटिल कॉम्प्लेक्स बट दे आर नॉट। अगर आप एक हफ्ते R&D कर देंगे YouTube के ऊपर और Google के ऊपर ही कर देंगे, आप ही का चैनल अगर बंदा देख ले 10-50-100 वीडियो जितनी भी आपने डाली हुई है, आई थिंक अ पर्सन विल बी हैविंग अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे वांट टू डू इट। एंड एक और सर सिचुएशन मेरे थी, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। आई कम अक्रॉस वन एजेंसी, ऑफकोर्स आई एम नॉट गोना मेंशन एनी नेम्स ओवर हियर। तो सर उन्होंने मेरे को बोला कि वो मेरे को वहां पे जॉब प्रोवाइड कराएंगे, आई हैव टू पे देम इन टोटल ऑफ 14,000 दिरहम, आउट ऑफ विच आई हैव टू पे देम 4,000 इन एडवांस। तो होता क्या है सर, सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि आप इतने डेस्परेट होते हो कि आपको हर एक की बात पे भरोसा हो जाता है, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग दैट प्रोबब्ली दिस इज राइट थिंग। And they showed me documents that ये देखिए हमने इस बंदे को भेजा है, इस बंदे को भेजा है। Of course, it was not making sense to me because I don't know them. So I gave them an offer. I said that you are asking 14,000, out of which you want 4,000 in advance. I will give you a post-dated check of 20,000 dirhams, and the day I land there, you can cash it. और sir यहाँ पे कोई भी अगर post-dated check देता है तो इट्स वेरी अनलाइकली कि वो चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट बिकम्स अ क्रिमिनल केस ओवर हियर। तो मैंने अपनी तरफ से उनको बहुत जेन्युइन ऑफर दिया कि आप 14 मांग रहे हैं, मैं आपको 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आई हैव टू बी देयर। तो दे वर लाइक नो दिस इज नॉट हाउ वी ऑपरेट, एंड दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड दैट आई शुड गेट अप फ्रॉम दिस टेबल, बिकॉज देन आई वाज लाइक नो आई डोंट ट्रस्ट यू, एंड there's no offense but there's no trust factor। और अभी इतना इस चीज को लेके लोगों को mislead किया जाता है और इतने scams हो रहे हैं, तो मैंने इस चीज को वहाँ पे confront किया। They were not very happy about it but it is what it is। So ये दो चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं सर दुबई के अंदर। ठीक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके इशू को हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें से। बाकी देखो ऐसा है कि कोई भी कंसल्टेंट या लॉयर कोई ऊपर से आसमान से आके बैठा नहीं है कि जिसके पास श्योर शॉट गारंटी हो कि वीजा लग जाएंगे, ऐसा कर दो आप वो लग जाएंगे, ऐसा इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जो इमिग्रेशन प्रैक्टिस है, इमिग्रेशन प्रैक्टिस इज आई वुड से 90% ऑफ देम इज टू अप्लाई द लॉ, टू रिसर्च द प्रेसिडेंट्स, पुराने एग्जाम्पल देखकर, एक्सपीरियंस देखकर, पुराने जो कुछ हुआ है किसी केस में क्या हुआ है उसका अप्लाई करके फ्यूचर में के केस में देखकर उसको ठीक करना, वो दैट इज व्हाट ऑल इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट। इमिग्रेशन का थोड़ा सा बदनामी इस तरह से है कि कोई भी अभी तक, होपफुली नॉट इन द फ्यूचर, अभी तक कोई भी अपना एक बोर्ड लगा ले कि जी मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास आओ जी मैं वीजा लगा दूंगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव स्टीरियोटाइप बना हुआ है इमिग्रेशन के बारे में, और अगर कुछ वीजे लग जाते हैं तो लोग कहते हैं जी हमारे तो कामयाबी मिल गई जी आ जाओ और उसके सारे नए क्लाइंट्स आ जाते हैं। जो पुराने क्लाइंट जो रिफ्यूज हो गए वो पता नहीं कहाँ गए, कोई परवाह नहीं करता उनकी जो रिफ्यूज हो गए। जितने भी इमिग्रेशन लॉयर्स हैं कनाडा में वो ज्यादा पसंद करते हैं कि लिटिगेशन केस करना जिसमें अपील करनी है, जुडिशियल रिव्यू करना है, जिसमें कुछ जाके IAD में जैसे कुछ PR केसेस में उनको कोई अगर हियरिंग करनी है, इस तरह के ज्यादा पसंद करते हैं। जो जितने भी ये आपके जो टेम्पररी वीजा केसेस है ना, जैसे स्टडी वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, वर्क परमिट है, ये सब केसेस ज्यादा अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो ज्यादा लोग करते हैं जो इमिग्रेशन लॉयर नहीं है या इमिग्रेशन लॉयर्स काम करते हैं, क्योंकि ये एक
वन शॉट गेम जैसे लोग देखते हैं, जैसे कि आपने कहा, उन्होंने कहा कि इतने पैसे दे दो जी, 14,000 दे दो, 20,000 दे दो जी, हम आपका वीजा लगवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, जॉब दे देंगे, इस तरह के काम लॉयर ज्यादा पसंद नहीं करते करना, क्योंकि ये तो बस ये बात होगी कि आप ये सोचते हो कि वीजा इश्यूएंस हमारे हाथ में है। इमिग्रेशन लॉयर्स कभी नहीं ये सोचते कि वीजा इश्यूएंस हमारे हाथ में है, वीजा इश्यू करने वाला कुछ और है, क्लाइंट कुछ और कह रहा है, जो बीच में जो लॉयर है उसको अपना प्रोसेस करके आगे वो केस को पुट अप करना है, तो उनका एक रोल आप अलग से देखते हैं। जहां पर एक बात आ जाती है ना कि भी मेरे पास आओ मैं वीजा लगा दूंगा, बस वही खेल खराब हो जाता है। दैट मींस कि आप सोचो कि क्लाइंट को भी लगता है कि शायद इनके पास बनी बनाई चीज है। ऐसा नहीं है कि आपने मैकडॉनल्ड्स में गए, आपने कहा ये पैसे पकड़ो, बर्गर लिया, खत्म हो गया, उसी बार ले लिया एंड इट्स रेडी। वीजा का गेम ऐसा नहीं है। वीजा का गेम तो यह है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करनी है, पहले रिसर्च करनी है, फिर प्रॉपर उसके स्टेप्स हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो पुराने कंसर्न्स हैं अगर रिफ्यूजल हैं उसको एड्रेस करके फिर आगे वो पुट अप होगा, फिर वीजा ऑफिसर उसको कैसे देखेगा, कैसे करेगा, वी डू नॉट नो। वी होप दैट ही विल लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द एप्लीकेशन। अगर वो रिफ्यूज करता है तो फिर दोबारा से करना है। तो टिपिकली आप मान के चलो जो रजिस्टर्ड लाइसेंस कंसल्टेंट्स भी हैं और इमिग्रेशन लॉयर्स वगैरह हैं, सो दे शुड बी एंड दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू रिव्यू देम एंड देन डू द सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, उसको बार बार जितना जितना उनके पास एक टॉलरेंस है उतना उसको कर जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि कितना उनको वो क्लाइंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये एक इमिग्रेशन लॉ इंडस्ट्री का एक फैक्ट है जो हम बाजारीकरण में और दुकानदारी में हम भूल जाते हैं कि भाई ये ऐसी बात नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े ऑफिस में गए, ये पकड़ पैसे जी, वीजा मेरे को शाम को इशू हो जाना चाहिए, एक हफ्ते बाद इशू हो जाना चाहिए एंड दैट्स इट। दिस इज नेवर द केस इन इमिग्रेशन लॉ इंडस्ट्री। सो दैट इज व्हाट इज माय बैकग्राउंड। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि वीजा कई बार क्लाइंट्स मेरे पास भी आते हैं और वीजा मेरे से भी रिफ्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में कोई जादू है या मेरे हाथ में कोई स्पेशल पावर है, एक्सेस है, या मेरे पास कोई खास कोई नॉलेज है, स्किल है, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट सिचुएशन। इनफैक्ट आज की डेट में ही मेरा एक सुबह ही मेरे को एक खबर आई है, एक स्टडी वीजा मैंने किया था, वो सऊदी से थी वो एप्लीकेंट, तो उनका भी रिफ्यूज हुआ है। वो रिफ्यूज क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब असली वकालत शुरू होगी, अब असली जो इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस की जो हुनर है वो शुरू होगा। तो हमें पता करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि क्यों हुआ, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सेकंड टाइम क्या करना है, एंड दिस इज हाउ इट विल गो। अगर मैं किसी क्लाइंट को बोल दूं जी इतने पैसे दो वीजा लग जाएगा, आई विल बी वेरी स्टूपिड टू से दैट बिकॉज आई नो इन माई हार्ट इट इज नॉट इन माई हैंड्स। ऑल आई कैन डू इज आई कैन यूज माई पैशन एंड एंथुसियाज्म टू कीप इट गोइंग एज लॉन्ग एज इट you know as long as it is. और क्लाइंट को भरोसा होना चाहिए कि ठीक है, लॉयर को पता है और वो कंसल्टेंट करेगा। तो ये बात है बैकग्राउंड इमिग्रेशन लॉ इंडस्ट्री का। अब जितने भी आपने जैसे दुबई में कहा, इंडिया में कहीं पर भी है, थोड़ा सा मान के चलें कि दिस इज अ बिजनेस। बिजनेस का पर्पज ये है कि प्रॉफिट कमाना, रेवेन्यू कमाना। कहीं भी आप इवन डॉक्टर्स, आप देखो डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बिजनेस है। अगर आप कोई इलाज कराने जाते हो और जान पे जान खतरे में है किसी की है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई पहले पैसे जमा करो फिर सर्जरी करेंगे। तो वो भी जब डॉक्टर ही भी एक बिजनेस है, तो बाकी छोटे मोटे की दुकानों की बात ही क्या है। इमिग्रेशन लॉयर्स और कंसल्टेंट्स अगर हर एक को कहने लग जाए कि जी आपका काम नहीं हो सकता, तो उनकी दुकान बंद बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। उनको कहना पड़ता है क्योंकि तनख्वाह देनी है, किराया देना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, उन्होंने भी कुछ सोच के इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको कहना पड़ता है कि भाई जो केस आ रहा है आने दो, और जो केस आ रहा है उसको ले लो, कुछ डिपॉजिट ले लो, फिर काम शुरू होगा, और दैट्स हाउ दे विल मेक रेवेन्यू। सो एक रियलिटी है, और उसके सारे कई बार जो एक जेन्युइन क्लाइंट भी रगड़ा जाता है उसमें, कई बार होता है कि भी पता नहीं इसका काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पैसे पहले ले लो, एंड समटाइम्स देयर इज नो कॉन्फिडेंस रैपोर बिटवीन क्लाइंट एंड द कंसल्टेंट। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे ये कह रहा है, जो जो दो तीन बातें उन्होंने कही उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो बात शुरू करते हैं जो एक जॉब प्लेसमेंट की बात आपने कहा कि वो जॉब आपको देंगे। मेरा सवाल उनसे ये है, और मैं चाहता हूं कि आप भी या कोई भी जो इस बात हमारी बात को सुन रहा है, जो भी एप्लीकेंट किसी भी लॉयर कंसल्टेंट के पास जाता है और उसको वो सोच रहा है कि जॉब दिला देगा, सबसे पहला सवाल तो मेरे पास ये है कि कृपया करके महोदय मेरे को ये बता दें, आपको पता है कि बेरोजगारी का रेट क्या है इस वक्त कनाडा में, जिस भी आप प्रोविंस में हमें देख रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में, अल्बर्टा में, कहां पर भी देख रहे हैं, टिपिकली 10-15%, हमारे अल्बर्टा में तो करीब 25% अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त। जब इतनी बड़ी बेरोजगारी चल रही है यहां पर, तो आपके पास जॉब कहां से आ गया जो आप जॉब एक बाहर के इंसान को जो कैनेडियन सिटीजन और पीआर नहीं है उसको जॉब दे देंगे। पहली बात तो ये है, आपके पास जॉब आया कहां से और कैसे जॉब आपने लिया,
मैं बैठा हूँ दुबई में, आपने मेरा ना इंटरव्यू लिया, ना एम्प्लॉयर का पता है, उसने मेरे को जांचा नहीं है वो क्या जॉब करेंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं है कोई टेस्ट नहीं हुआ, ना इंग्लिश की पता लगा कुछ है, तो जॉब बना बनाया रेडीमेड जॉब कहाँ से आ जाएगा। इवन आप मैकडॉनल्ड में जाते हो, उसको आप ऑर्डर देते हो तभी आपको बर्गर बन के आता है, आप पहले बोल दो कि जी हमें पता ही नहीं क्या लेना है, जो बर्गर पहले आपका तैयार है, दैट डज नॉट मेक सेंस। तीसरी बात यह है कि लॉयर कौन है, कौन आप एप्लीकेशन जमा कर रहा है, वो कौन आदमी है जिसने वो साइन करेगा। I need to talk to that person first. I need to look at the job offer letter. I need to look at the LMIA conditions. I need to look at what is the track record of the employer himself. कि पता नहीं वहाँ पर कितने employees काम कर रहे हैं, मैं जाऊँगा वहाँ नौकरी होगी नहीं होगी, या नौकरी जब मैं अगर मैं पहुँच भी जाऊँगा उसके बाद मेरे को अगर फायर कर दें तो आपकी क्या गारंटी, आपके तो 20,000 जो दिरहम जो थे वो हमारे गए, उसके बाद मैं क्या करूँगा वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो LMIA जिनको मिला है किसी भी जुगाड़ के बेस पे मिला है, लेकिन फिर भी उनकी यहाँ पर दाल गली नहीं है और वो धक्के खा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, इसलिए जॉब ऑफर वाली बातें हैं ना ये सब पोकी बातें हैं, और इसमें 99.9% फ्रॉड होता ही है, कुछ ना कुछ चलता है। और बाकी आपको बता दें और आपके माध्यम से सबको भी बता दें कि पैसा लेना देना जॉब के लिए गैर कानूनी है, इसलिए जो लोग वहाँ बैठे बैठे या दुबई में, इंडिया में, पाकिस्तान में, सिंगापुर में, यूरोप में, कहीं पर भी जो पैसे लेते हैं, कभी भी आपको उसका ना कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना आपको कोई रसीद देते हैं, वो पैसा जो किसी और कैटेगरी में शो करके वो होता है कि ये पैसा किसी और के लिए। अल्टीमेटली ये मतलब कोई कैनेडियन लॉयर, अगर कोई कैनेडियन कंसल्टेंट, कैनेडियन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट अगर कोई जॉब के लिए पैसा लेगा और उसकी अगर शिकायत हो जाए तो बहुत बड़ा एक क्राइम हो जाएगा, और उसके मतलब बहुत बड़ी उसकी इंक्वायरी हो सकती है, और कई लोग यहाँ पकड़े भी गए हैं। तो जॉब वगैरह के बारे में तो आपको पता है कि ये सब धांधली है, इस बारे में मतलब बात करना ही फिजूल है। तो जॉब की मैंने आपको बता दिया जॉब की रियलिटी क्या है। फिर आपने कहा कि US वीजा की हिस्ट्री, आपका US वीजा रिफ्यूज हुआ है, और उन्होंने अगर कहा कि US वीजा हिस्ट्री, आपने क्या कहा था कि वो कोई इसका फर्क नहीं पड़ता या बताना नहीं, क्या कहा था उन्होंने? नहीं, उन्होंने बोला दे बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज सो इट हैज नथिंग टू डू विद ईच अदर। ओके, नहीं पर जाते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं, जैसे आपने वर्क परमिट का फॉर्म भरते हैं जैसे 1295 है, स्टडी परमिट का फॉर्म है 1294 है, उसमें जो आखिरी पेज में जो सवाल पूछते हैं, वो कुछ सवाल पूछते हैं कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, आपने कोई किसी कंट्री का आपका रिफ्यूज तो नहीं हुआ, अगर कनाडा में अगर आप गए थे वहां से आपको वापस तो नहीं भेज दिया वगैरह वगैरह, ऐसे सवाल पूछते हैं। अगर उन सवालों का कोई माने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वो सवाल रखने की जरूरत नहीं थी। उन सवालों का एक खास मतलब है लॉ में, जो इनएडमिसिबिलिटी हम चेक करते हैं लोगों की, जो वीजा ऑफिसर चेक करते हैं, उसके लिए वो सवाल रखे गए हैं कि पता लग जाए इसका बैकग्राउंड क्या है। आपको एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर कोई इंसान किसी और कंट्री गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया गया है, इंग्लैंड गया है, अमेरिका गया है, कई और भी, you know, these countries are connected to each other through Canada, but इसके अलावा भी कोई और कंट्री गया है। कई बार मेरे को ऐसे भी बंदे मिले जो हांगकांग गए, हांगकांग से डिपोर्ट होकर वापस चले गए इंडिया, तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो हांगकांग का कोई मतलब नहीं है, जो पुरानी चीज है जी, 10 साल हो गए जी, 15 साल हो गए, क्या करना बताने के। तो ये सब बताने के लिए जरूरी, ये जो सवाल रखा है ये बताने के लिए रखा है कि भाई ये इसको आप बताओ, जिससे कि वीजा ऑफिसर एक जजमेंट करता है आपके बारे में कि आपकी पुरानी एक लॉ हिस्ट्री क्या थी, इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या थी, ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, कोई और कोई संगीन जुर्म तो नहीं है उस कंट्री से, जिससे वो उसको देखकर वो जज करते हैं कि इसको हम एडमिसिबिलिटी जो कहते हैं उसको, यू कैन चेक ऑन एडमिसिबिलिटी इन गूगल, इसको एडमिसिबिलिटी कहते हैं, उसमें वो यस तो यस है कि नहीं है, अगर नो है कहीं है तो वहां पर रुक सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई US का वीजा का रिजेक्ट हो गया उसका कैनेडा वीजा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा जो कर्तव्य ये है कि हमें बताना जरूर है कि हमारे US का वीजा रिफ्यूज हो गया है, उसके हिसाब से वो US से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक आप देते हैं तो आपको एकदम से वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन पकड़ देते हैं वो कि वहाँ पर क्या है। आपने उस जमाने में US वीजा एप्लीकेशन में पता नहीं क्या क्या लिखा था, उस जमाने में लिखा था जी मैं तो, कई लोग होते हैं जी मैं तो फार्मर था, आज आप बोल रहे जी मैं तो पिछले साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो एकदम से वो क्लैश कर जाता है। आप मान के चलो किसी भी कंट्री को जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो कई सालों साल उसमें कंटिन्यू रहती है। ये जो बिग कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड अमेरिका, इनके तो आप मान के चलो कि आपके जीवन काल तक, अगले 50-60 साल तक ये इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर डेटाबेस में रहेगी, इनसे आप बच नहीं सकते, तो वो ये लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कहना कि किसी का ये कहना कि भी इसका कोई लेना देना नहीं है कैनेडा वीजा से, ये सरासर गलत है, मैं इस पर एग्री नहीं करता, और इसका मेरे पास बेसिस भी है, जो प्रेसिडेंट है इसका, जो लीगल केसेस भी हैं उसमें, पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री, पुरानी इमिग्रेशन हिस्ट्री इज अ क्रिटिकल फैक्टर, इज अ फैक्टर फॉर दिस करंट एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन आप कैनेडा कर रहे थे उसके लिए पुरानी US का रिफ्यूजल या इन सारी कंट्रीज का रिफ्यूजल
मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहना कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स, सो मैं इसका सरासर खंडन करता हूँ। आपने जो यूएस वीजा की बात होगी, और हम बात कर चुके हैं जॉब प्लेसमेंट की, तीसरी आपने बात करी कि उन्होंने ये कहा कि आप जब स्टडी वीजा एडमिशन स्टडी वीजा एप्लीकेशन डालते हो तो उसमें आपका इंटरव्यू में अगर आएगा तो आप ये बोले कि मेरे को पीआर लेना है, करेक्ट ये कहा था आपने? जी। इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, बाकी कंट्री के आंकड़े तो पता नहीं, करीब करीब 2 लाख या 2.5 लाख स्टूडेंट्स हर एक साल इंडिया से जाते हैं कनाडा के लिए, डिफरेंट ग्रेड्स, डिफरेंट डिप्लोमा, मास्टर डिग्री वगैरह, जितने भी स्टूडेंट जाते हैं इसमें मेरे ख्याल है कि शायद ही कोई रेयर कोई हो जो बोले कि जी मैं कनाडा जा रहा हूँ, वहाँ कनाडा में मेरे को पीआर नहीं होना। पीआर सबको होना है, और वीजा ऑफिसर को भी पता है, कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पीआर होना है। इसको डुअल इंटेंट भी कहते हैं, कई बार आपकी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगी हो, साथ में आपकी अगर स्टडी वीजा फाइल अगर आपने लगा दी तो लोग कंसल्टेंट कहते हैं नहीं जी पहले उसको विड्रॉ कर लो जी, वहां तो वो देख लेंगे जी, आपका तो पहले पीआर के चल रहा है, आप स्टडी कैसे मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं, मेरे पास कई एग्जांपल हैं जहां पर एक्सप्रेस एंट्री की फाइल होते हुए भी स्टडी वीजा लग गया है। तो उसको डुअल इंटेंट कहते हैं कि स्टूडेंट को अल्टीमेटली सूनर और लेटर पीआर बनना ही बनना है, चाहे तो साइमल्टेनियसली फाइल लगी हो चाहे फ्यूचर में लगनी हो। लेकिन अगर आप स्टडी वीजा के टाइम अगर एप्लीकेशन में जब वो पूछते हैं कि भी आपका पर्पस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताओ जी, आपका क्या प्लानिंग है वगैरह वगैरह, अगर आप पहले ही ओपनिंग लाइन या कहीं ना कहीं इसमें लिख दो कि भाई मैं तो कनाडा से कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं तो आर्किटेक्चर पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, ये मेरी नौकरी गई बाहर में इंडिया की, मैं जा रहा हूँ जी, मैं तो वहीं जाके बिजनेस मैनेजमेंट करूंगा, मैं शर्त यह कहता हूँ आपका वीजा लग नहीं सकता। अगर आप ऐसे अगर खुल के बोलते हो कि मैं वीजा ये वीजा को लेकर मैं जा रहा हूँ और मेरा इंटेंशन है पीआर, तो वीजा वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा जो स्टडी वीजा वर्क वीजा और टूरिस्ट वीजा, दीज आर बेसिकली टेम्पररी वीजा, दैट मींस के इसका जो एक ड्यूरेशन लिमिटेड है, इसकी जो इंटेंट लिमिटेड है, और इंटेंट इज टेम्पररी, दैट मींस के आप स्टडी करने जा रहे हो, जब तक आपका स्टडी पर्पज चल रहा है तो यू आर सपोज टू बी टेम्पररी रेसिडेंस, दैट मींस के अगर आपका स्टडी अगर आपको बीच में छूट गई, आपने स्टडी उसके बाद अगर आपको पीआर नहीं हुआ, कुछ और बात नहीं हुई, तो यू मस्ट शो इंटेंट एंड इंक्लिनेशन टू रिटर्न टू योर होम कंट्री। हाँ, उसके बाद अगर आपकी पीआर की फाइल लगती है, पीआर की एलिजिबिलिटी होती है, आपके पास एक्सपीरियंस है, पॉइंट्स है वगैरह है, तो आप पीआर बने, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप पहले ही छूटते ही, अगर आप इसको इसमें ट्राई कर लो, स्टडी वीजा क्या है, आप वर्क वीजा में ट्राई कर लो, वर्क वीजा जब आपको नौकरी मिलती है, अगर आप पहली लाइन में कहीं ना कहीं इंटरव्यू में यार कहीं बोल दें कि जी मैं तो जी जॉब करने के लिए जा रहा हूँ 1 साल 2 साल के लिए, मेरे को जी ये मैकेनिक की जॉब मिली है, लेकिन मैं मैकेनिक की जॉब करूंगा वापस थोड़ी आऊंगा, मैं तो फिर नहीं आऊंगा, बस आपको शर्त ही आप वीजा दिखा देना, इस इज इम्पॉसिबल, आपको वीजा इशू नहीं कर सकते, ना स्टडी वीजा में ना वर्क वीजा में। कैन यू इमेजिन इन टूरिस्ट वीजा ऑल्सो, टूरिस्ट वीजा में मेरे पास मतलब क्लाइंट के पास अगर बहुत सारी ट्रैवल हिस्ट्री है, कहीं बहुत सारी कंट्रीज में जा रहे हैं वो, और उसके बाद कनाडा का सोचते हैं कि जी हम कनाडा पीआर ले लेते हैं, ठीक है जी, फैमिली की सलाह बनी के ऐसा करते हैं, पहले टूरिस्ट वीजा लेके घूम आते हैं, देख देते हैं क्या होता है। तो मैंने जब टूरिस्ट वीजा अप्लाई करता हूँ तो उसमें मैं लिख दूँ कि ठीक है जी हम तो घूमने जा रहे हैं, लेकिन वहां अगर कोई सेटिंग हो गई, कोई बात अगर जॉब मिल गई कुछ होगी, तो मैं तो वापस नहीं आने वाला, तो आप समझते हो कि टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा? ऑफकोर्स नॉट। Absolutely. So, ये जो कहना है कि आप इंटरव्यू में बोल दें कि जब मेरे को पीआर बनना है, आई टोटली डिसएग्री। मैं उन कंसल्टेंट को चैलेंज करता हूं कि मेरे को कोई एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल दिखाएं जहां पर अगर आपने ऐसा क्लाइंट ने बोला है, उसको वीजा मिला है, आई वुड लाइक टू इंटरव्यू दैट पर्सन, आई लाइक टू यू नो इन्वेस्टिगेट फर्दर कि क्या उनके हालात है। तो ये सब बातें हैं, बाकी अब कंसल्टेंट्स जैसे मैंने बताया, कंसल्टेंट्स या कोई भी है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज बिजनेस, और बिजनेस में क्लाइंट डेवलपमेंट, सेल्स, एवरीथिंग इज सेल्स एंड बिजनेस एंड क्लाइंट डेवलपमेंट, मतलब कि क्लाइंट को इम्प्रेस करना, क्लाइंट को ऐसा कहना कि क्लाइंट भाग ना जाए, तो हमें तो कहना ही पड़ेगा कि भाई वीजा लग जाएगा आपका जी, हो जाएगा जी, आप दे दो, और बाकी यू नो क्लाइंट की खुशकिस्मती है, शायद वीजा गलती से लग जाए, अगर नहीं लगा देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए you know we need to research more and more about what we are trying to do. छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा, आपके
I know you understand this well. आप कोई भी काम करते हो जिंदगी में, जैसे आप हॉस्पिटल में कई बार बीमारी में हम सोचते हैं कौन से डॉक्टर के पास जाएं, ये डॉक्टर अच्छा है वो अच्छा है जी, कहाँ जाए कहाँ जाए, इतनी हम रिसर्च करते हैं कि जी गलती ना हो जाए. जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हजारों रिसर्च करते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, इस तरह से हम करते हैं. कोई भी आप काम करते हैं, जब घर लेते हैं तो घर में कहाँ रहना है, कैसे रहना है, घर की क्वालिटी क्या है, घर का प्राइस क्या है, हर एक चीज में हम रिसर्च करते हैं. तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट पे हम रिसर्च क्यों नहीं करते, हमें पता नहीं कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, उसका क्या टेस्टिमोनियल है और कैसे होगा. तो हमें रिसर्च करनी चाहिए, जितनी हम रिसर्च करेंगे उतना हम एक वेल इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस्ड डिसीजन ले सकते हैं. इतना ही मेरे को कहना है, बाकी दुनिया चल रही है कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी रोजी रोटी है, किसी का काम होता है किसी का नहीं होता है, एंड दैट्स ऑल इट इज आई हैव टू से. सर लेकिन जैसे यूएस का जो मेरा वीजा रिजेक्शन हुआ है, इज देयर वे टू फाइंड आउट, लाइक कनाडा में मेरे को पता है देयर इज अ वे टू फाइंड आउट कुछ फीस लगती है, यूएस में ऐसा कुछ होता है? यूएस में फीस तो नहीं लगती, आई डोंट नो कि फीस पहले नहीं लगती थी एक्चुअली. उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, FOIP, आप टाइप करें गूगल पे, टाइप कर लेंगे FOIP, FOIA कहते हैं इसको, FOIA, आई थिंक FOIANP या समथिंग, FOIANP, आप गूगल पे टाइप कर लें तो आपको आ जाएगा. वहां पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको आपके पास अगर आपकी फाइल नंबर है, जो वीजा जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट वगैरह है, तो उसको करके आप अप्लाई कर सकते हैं. और वो ये नहीं पता कि कितने दिन में देते हैं, 3-4 शायद महीने में देते हैं. मेरे को पता है एक का मैंने किया था, किसी का काफी साल हो गए, उसको 3 महीने लग गए थे आने में. तो इन्फॉर्मेशन आपको अपने यूएस वीजा की इन्फॉर्मेशन, जो फाइल हिस्ट्री, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, आपको देखनी चाहिए. और इट्स अ गुड आइडिया टू फाइंड आउट कि आपके फाइल में यूएस वीजा ऑफिसर ने क्या क्या लिखा है, ये बड़ा जरूरी है. क्योंकि सर इस बात को तकरीबन 2 साल हो रहे हैं, मैंने वो वीजा एक्चुअली कैजुअली ही अप्लाई किया था टूरिस्ट इंटेंशन के साथ. इमिग्रेशन कंसल्टेंट की रिसर्च करनी चाहिए, सबसे बड़ा इशू ये है आज की डेट में, अगर एक लेमैन रिसर्च करेगा तो इंटरनेट पे जाएगा, एंड आई फील व्हाटएवर यू फाइंड ऑन इंटरनेट लाइक वो इतना ज्यादा मैनिपुलेटेड है एंड इट्स वेरी फैब्रिकेटेड कि आपको नहीं सही रिसर्च एक तरीके से हो पाती है. दैट इज व्हाई आई चूज टू रीच आउट टू यू बिकॉज ऑल माय क्वेश्चंस वर नॉट रियली आंसर्ड ओवर देयर. या एंड आई डू अंडरस्टैंड इट्स अ बिजनेस बट किसी की लाइफ भी खराब हो सकती है. जी. नहीं जैसे पता क्या है, देखो कोई भी प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर का एग्जांपल ले लें, कई बार डॉक्टरों से भी गलती हो जाती है. कई बार अब हमें तो मालूम है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, कई बार सर्जरी में भी गलती कर जाते हैं. वो कहते हैं जी बंदा तो मर गया जी, पता नहीं किसको पता ही नहीं अंदर कैसे मर गया, क्या पता डॉक्टर ने खुद ही उसको हु नोज के क्या गलत उसका प्रोसीजर कर दिया क्या है. और कई बार गलत डायग्नोसिस भी कर जाते हैं. कई एग्जांपल ऐसे हैं कि डॉक्टर गलत दवाई दे रहा था, डायग्नोसिस पता ही नहीं लगा, सालों साल बीमारी कुछ और निकली है. तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे डॉक्टर है जिसको समझते हैं जी 10 साल 15 साल MD कर दी बनाना, जब वो गलती कर सकते हैं तो वही छोटे मोटे जो लोग हैं उसके नीचे और वो गलती नहीं कर सकते, गलती कोई भी कर सकता. लेकिन इफ आई एम अ क्लाइंट, इफ आई वांट टू गो टू इमिग्रेशन लॉयर, आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन इफ ही स्टार्ट्स टेलिंग मी हिज रिफ्यूजल्स फर्स्ट, जिससे कि मेरे को ये अंदाजा हो जाए कि उसको भी पता है कि रिफ्यूजल हुआ कैसे. जिस इंसान के रिफ्यूजल नहीं हुए वो इमिग्रेशन लॉयर अच्छा बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है गलती क्या हुई है, कैसे हुई है, कैसे ठीक करी है. मेरे को ज्यादा इससे ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि उसने गलती के बाद क्या किया, कैसे किया, उसको कैसे सुधारा, उसके बाद दोबारा वीजा कब लगा, किस हालात में लगा, क्या उसने ऐड किया, क्या उसने आगे पैरवी की. आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी एज अ पोटेंशियल क्लाइंट टू मीट एनी लॉयर, रादर देन कि मैं उसके गूगल पे देखूं जी मेरे पास जी 1000 वीजे लग गए जी, मेरे जी सबके वीजे लग गए जी. वीजे जबकि लगते हैं तो बहुत ईजिली हम लोग बुला लेते हैं क्लाइंट को जी बता दो आगे, लेकिन जो रिफ्यूजल है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि रिफ्यूजल करते पीछे पीछे करते उसको किसी को मालूम ना पड़ जाए. सो विच इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्ट ऑल योर लाइफ ऑल योर करियर. अगर आप 20-25 साल अगर लॉ प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके वीजे रिफ्यूज ना हुए. जिसके वीजे ना रिफ्यूज हुए वो मैंने मान नहीं सकता कि उसको कि उसने हो सकता कि उसने ऐसे केस किए ना हो कि जिसमें चैलेंजिंग चैलेंज मिला हो. ये बात है. लेकिन सर मैंने जब ये डिसाइड किया कि मैं अपना ये एप्लीकेशन विड्रॉ करूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक सो, मेरी तो इंटेंशन है कि मैं बोनाफाइड स्टूडेंट लगूं बट सिचुएशन
is not falling in my favor and I have decided ki main PR ke zariye se jaunga and I'm going to work on my CRS score and sir mere paas masters nahi hai agar main correspondent ya long distance master kar leta hu so PR mein wo mere ko help karegi usko kuch mante hain ye log Canada कनाडा को कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे आप करेस्पोंडेंस करो चाहे डिस्टेंस से करो चाहे घर बैठे करो जैसे करो वो अल्टीमेटली WS जो जो असेसमेंट टीचर एजेंसियां जो है वो डिसाइड करेंगी कि आपकी वो यूनिवर्सिटी क्रेडिट थी सिलेबस क्या था क्या उसका ग्रेडिंग वैल्यू है जो भी है उसको देख के फिर वो इक्वल उसका स्टेटस देंगी तो अल्टीमेटली अगर आपको करना ही है करेस्पोंडेंस से या जहां से भी करना है तो यू बेटर मेक श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है उसकी हिस्ट्री अच्छी है उसका स्टैंडर्ड अच्छा है उसकी डिग्री वैल्यूएबल है ये सब जरूर देखें जी क्योंकि सर मेरे हिसाब से वो तरीका ज्यादा बेटर है वो अच्छी बात है अच्छी बात अगर आपको पीआर का निशाना है ही है पीआर का तो जो पीआर का जो है वही करना चाहिए फिर स्टडी वीजा वजह से टाइम खराब क्यों करना अगर आपके पास अगर किसी के पास तीन चार अगर चीजें हैं उसके पास एज है उसके पास इंग्लिश अच्छी है लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच अच्छी है और उसके पास एक्सपीरियंस है और अगर मास्टर डिग्री की गुंजाइश हो सकती है तो चारों को कंबाइन करके आपके पॉइंट्स आप एक लेवल पे ले आ सकते हो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑक्यूपेशन एट द एंड अगर आपके पॉइंट्स अगर आ सकते हैं उस तरह से तो जब निशाना ही वो है तो करना चाहिए अगर कोई गुंजाइश नहीं है ऐसी होने के लिए जैसे किसी के पास पढ़ाई का कोई गुंजाइश नहीं है या इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकती है और यू नो और एज भी अगर हो गई है बढ़ रही है बढ़ेगी जब तक आप मास्टर डिग्री करोगे अगर ऐसे सिचुएशन है जब वहां पर एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लग नहीं सकती फिर तो फिर और कोई चारा नहीं है फिर तो या तो आपको कोई जॉब मिलेगी तब हो सकता है या तो स्टडी वीजा करोगे तब हो सकता है क्योंकि स्टडी वीजा में भी एक साल दो साल करोगे फिर जॉब मिलेगी ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को जो यहाँ पढ़ रहा है कनाडा में सबको जॉब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और जो मेरी बात देख रहे हैं उन्हें पता है कि स्टूडेंट के पास जॉब ही नहीं है कई लोग इंडिया से जब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट जिन्होंने छोटे मोटे डिप्लोमा लिया है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट छोटे छोटे ऐसे ऑफिस मैनेजमेंट कंप्यूटर मीडिया डिजाइन ऐसे लिए हैं तो आज वो धक्के खा रहे हैं उनके पास जॉब ही नहीं है यहाँ पर खर्चा हो गया है दो साल की पढ़ाई हो गई है और यू नो इट्स जस्ट इन्वेस्टमेंट काफी हो गया है क्या करोगे सर इंडिया में सबका ये माइंड सेट है वहां जाके ट्रक चला लेंगे मतलब मैं तो 200 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ मैं थक जाता हूँ इट्स अ वेरी And I drive a very comfortable car, cruise पे लगा के चलाता हूँ, फिर भी थक जाता हूँ। सर जी आप बिल्कुल मेरे जैसे हो इसका मतलब। मेरे को तो कनाडा में रहते हुए बहुत साल हो गए और मैं कुछ जानता हूँ ट्रक ड्राइवर्स को भी और स्पेशली जो पंजाबी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं तो ट्रक ड्राइवर के बारे में एक मिथ बनी हुई है ट्रक ड्राइवर जी पैसे बहुत बनाते हैं कई लोगों ने अपनी निशानों में दिखाए बड़े बड़े ट्रक है जी देखो जी मेरे चेक आ गए जी $10,000 जी $12,000 ही है सच्चाई कुछ और है पहली बात मैं बता दूं सच्चाई में बता देता हूं सच्चाई क्या है कि ट्रक में इतने पैसे कमाने के लिए आपको 10 से 12 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है एवरी डे पहली बात तो ये है इतना वो बताते नहीं है वो अगर जिस इंसान की शादी नहीं हो जिस इंसान की कोई इनकमेंस नहीं है कुछ नहीं है वो 10-12 घंटे अगर बाहर रहेगा तो वो चल जाएगा उसका लेकिन एक रेगुलर जो हाउस होल्डर है वो शायद पॉसिबल नहीं है और एज भी साथ होता है सारे अगर आपके शरीर में ताकत है You cannot continue this for next 15-20 years. Maybe एक साल के लिए. That's the one reality of the truck. दूसरी बात यह है कि ट्रक चलाना कनाडा में आजकल रिस्की बहुत है कनाडा एक ठंडी कंट्री है यहाँ स्नो है स्लिपरी है स्नो है आईसी है कुछ हो सकता है यहाँ पर जो एवरेज जो एक्सीडेंट है कनाडा में वो और कंट्री से मैं समझता हूँ ज्यादा ही अमेरिका से तो ज्यादा ही है तो इसलिए जाने भी जा सकती हैं आपकी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर पहली बार और अगर आप देखिए ट्रक में चलाने के लिए जो Maybe some truck drivers don't agree with me, पर ट्रक ड्राइवर्स की जो हेल्थ है सही नहीं रहेगी काफी लॉन्ग टर्म तक अगर वो चलाएंगे तो उनको डायबिटीज हो जाएगी हाइपरटेंशन हो जाएगा ब्लड प्रेशर वाला ये सब प्रॉब्लम होनी है अगर सारा दिन आप घर से बाहर रहोगे और ओवरनाइट चला रहे हो बाहर रह के आपको खाना पीना पता नहीं है उसी में ट्रक में सो रहे हो तो दिस कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लाइफ टाइम करियर दिस कैन गो ऑन एज अ फन फॉर मे बी 6 months or so. But lifetime, you cannot imagine that you can do this as a career for the next 20-30 years. That's not going to happen. So, इस तरह से आपको देखना चाहिए कि और आप अकेले बैठे हो ना आपके पास कोई बातचीत करने वाला कुछ नहीं है वहीं पर गाड़ी चलाई जा रही हो और sometimes, I mean, just like you said, कि अगर आप गाड़ी चलाने में थक जाते हो तो you cannot imagine. But on the other hand, there are positive sides about the truck as well. And a lot of students, especially Punjabi students,
इवन दे आर स्टार्टिंग कंप्यूटर और समथिंग, वो कहते हैं चलो जी की करना है तो मैं अपना ट्रक चलाइए, ट्रक पे उनको ज्यादा इंस्टेंट कैश मनी ज्यादा जल्दी जल्दी मिल जाती है जो आपके छोटे मोटे जॉब्स में नहीं मिलेगी। और ट्रक की आजकल जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स कुछ प्रोविंसेस में है, जैसे मेरे को पता है ओंटारियो में है एक, वहाँ पर न्यू ब्रंसविक एक शायद, उधर लैब्राडोर में है शायद, दो तीन यहाँ बीसी में भी है, कुछ प्रोविंसेस में ट्रकिंग जो ड्राइवर्स हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा चाहिए उसमें, और उसके बाद आप अपनी पीएनपी फाइल लगा सकते हो अगर आपके पास जॉब ऑफर है। और आखिरी बात यह है कि आज ट्रक ड्राइवर बनना आज से 10 साल पहले बनना में बहुत फर्क था। आज के ट्रकिंग जो जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर है बहुत टफ है और महंगा भी है ट्रकिंग का सीखना, अनलेस आप पहले से दुबई वाले से चला रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको फ्रेश ट्रक ड्राइवर बनना है तो आई थिंक इट विल कॉस्ट क्लोज टू $8,000 to $10,000 टू गो थ्रू द स्कूल एंड मेबी 3 to 4 months ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद जब आप फ्रेश आपको लाइसेंस मिलेगा फिर आपको कोई ट्रक इजिली देगा भी नहीं, जब तक आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस ना हो इंडिपेंडेंटली काम करने का, और तब जाके आपको इंडिपेंडेंटली कोई अगर बाहर से अगर आप जैसे अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई LMI वगैरह देगा, देन यू हैव टू मेंटेन। सो it's not like a walk through walking in the park. I mean it requires some planning, it requires some hard work, it requires some stability in your profession. ये कोई ऐसा कोई casual नहीं है कि हम आज जी खाली बैठे हैं वेले बैठे जी शाम को ट्रक चलाने लगे, ऐसा नहीं है, it requires some serious planning. सर ऐसा भी कुछ होता है कि जो लोग इंडिया से एक्सप्रेस एंट्री फाइल करते हैं या दुबई से फाइल करते हैं वो कंट्री का कुछ फर्क होता है, दैट दुबई वाले को ज्यादा वेटेज मिलता है? I don't think so. Express entry is country neutral. They are looking at the points based on the points they are giving you. The doesn't matter aap kahan se kar rahe ho. It does not matter. I mean, let's compare America also. America mein bahut sare engineers wala baithe hain. वो भी एक्सपीरियंस उनका काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, और एक इंसान बैठा है बांग्लादेश में अफ्रीका में बैठा है वो भी वहाँ इंजीनियर है कुछ काम कर रहा है। द पॉइंट्स ऑफ द एक्सपीरियंस आर द सेम, इट डज नॉट मैटर व्हेदर यू आर वर्किंग फॉर बिग कंपनी इन अमेरिका और अ स्मॉल यू नो स्मॉल फर्म इन बांग्लादेश और अफ्रीका, इट हैज नो डिस्क्रिमिनेशन। जी पर ये जरूर फर्क है कि अगर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो जो कंपनी रिकॉग्नाइज्ड है जो कंपनी एस्टैब्लिश है, वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस कम है। जैसे कि अगर मैं इंजीनियर हूं, अगर मैं गूगल में काम कर रहा हूं, जस्ट गिविंग एग्जांपल आई एम सेइंग गूगल, अगर मैं बहुत बड़ी एक कंपनी में काम कर रहा हूं, गूगल का एक्सपीरियंस लेटर है, गूगल के पे स्लिप्स हैं, तो वो एक्सपीरियंस को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंजीनियर हूँ, मैं छोटे मोटे कोई गाँव में काम कर रहा हूँ, मेरठ में, मुजफ्फरपुर में, यू नो हापुड़ में कहीं काम कर रहा हूँ एज इंजीनियर, गुप्ता एंड कंपनी शर्मा एंड कंपनी में काम कर रहा हूँ, और मैं बोलूँ जी मैं यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो गुप्ता एंड कंपनी को पहले देखेंगे सही गुप्ता कंपनी है कौन, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, क्या है वाकई कंपनी है कि नहीं है। सो उसके हिसाब से थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग सकता है। नहीं सर, आई थिंक अगर और कोई सवाल होगा तो आई विल रीच आउट टू यू इन अ प्रॉपर वे। एंड मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें और ऐसे मत किसी के पास पहुंच जाएं, बिकॉज लोग बरगला देते हैं सर, जब भूख लगी होती है तो कुछ भी खाना सामने वो बंदा खा लेता है और बाद में रियलाइज करता है कि पेट खराब हो गया है। सो आई थिंक नहीं, मैं भी बहुत रिसर्च करता हूँ, मैं भी हर चीज के बारे में काफी रिसर्च करता हूँ, मेरी आदत है एक्चुअली, मैं सवाल ज्यादा पूछता हूँ। और मैंने एग्जांपल दिया ना आपको डॉक्टरों का, क्योंकि कई बार कभी आपके दोस्त वगैरह मिल जाते हैं तो कोई बीमारी होती कुछ होता है, वो हमेशा हम लोग बात करते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो डॉक्टरों के बारे में पता करना बड़ी एक टेढ़ी खीर है। अब हर एक डॉक्टर अपने आप को कह रहा है जी मैं तो अमेरिका से पढ़ा हूँ, मैं तो इंग्लैंड से पढ़ा हूँ, मैं तो मेरे पास 50 साल का डिफरेंट वो एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल से स्पेशलिस्ट हूँ। लेकिन अगर आप डॉक्टरों से अगर आप कुछ थोड़ा सा, पहली बात तो वो टाइम नहीं देते आपसे बात करने के लिए, क्योंकि दे थिंक दे आर ऑन द हाई स्केल, आपसे बात ही नहीं करते, इतनी आप बात वो मौका नहीं देते। लेकिन आप डॉक्टरों के बारे में जितनी आप रिसर्च करोगे आपको पता लगेगा कि जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है। कई डॉक्टर मतलब कि उनके हाथ में शफा नहीं है, कि उनके हाथ से कोई अगर वो दवाई देते हैं कुछ करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होती। कई हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे मैं कनाडा की बात कर दूं, आपको छोड़ो इंडिया की बात ही है, कहीं यहाँ पर जैसे डेंटिस्ट हैं, तो डेंटिस्ट मोर लेस आर प्रीटी मच द सेम, उनकी जो डिग्रियां सेम है, लाइसेंस सेम है, लेकिन कई पेशेंट्स कहते हैं जी मैं फलाने डेंटिस्ट के पास गया जी, वहां से मेरे जी मेरा केस ही खराब हो गया जी, और उसके पास गया जी, उसने वो ठीक कर दिया जी। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने लाइसेंस शुदा लोग, इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों के भी क्वालिटी ऑफ सर्विस में फर्क हो सकता है, तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट की क्या मिसाल है।
बिल्कुल, लेकिन सर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्लाइंट कि हम अपनी रिसर्च करके जाएं। ठीक, मेरे को तो मैं तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो मैं डॉक्टर से पहले मेरे से कोई सवाल पूछे, मैं उसके पास पूरा अपना, मेरे पास सवालों की लिस्ट होती है कि पहले भाई साहब पहले इसका जवाब दे दे, फिर आगे बात करते हैं दवाई की। और सर फिर आगे से ये सुनना पड़ता है कि आप गूगल पे बहुत पढ़ के आए हो, I'm sure you must you are right. Actually, doctors, ये कोई डॉक्टर कोई सुन रहा है शायद मेरे को पसंद ना करे इस बारे में, डॉक्टर्स की एक हाई लेवल की उनकी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा होता है कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, अगला कोई बोलेगा, अगर मैंने बोल दिया किसी को कि ये दवाई चाहिए, आप कौन होते हो पूछने वाले, मेरे को क्वेश्चन करते हो, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं आपको क्या पता है इसके बारे में, जो मैं कह रहा हूँ आपको करें, आप दो तीन सवाल उनसे पूछोगे, कई बार डॉक्टर थोड़ा सा वो इरिटेट हो जाते हैं, तो मैं अगर वो इरिटेट होते हैं तो मेरे को लगता है कि ये डॉक्टर अपने अपने काम का नहीं है, देन आई से थैंक यू वेरी मच, देन आई गो टू समबडी एल्स। बात मेरा सिर्फ डॉक्टर्स को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बात मेरा सिर्फ इतना कहने का है कि इतनी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोफेशन में जहाँ पर हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी आपको आपको एंटरटेन करने को तैयार नहीं है, तो इट इज इनकम्बेंट ऑन द पेशेंट जिसकी जिसकी लाइफ को उसकी दवाई डिसाइड करेगी, लाइफ बचेगी नहीं बचेगी, तो हम अगर अपना रिसर्च करेंगे नहीं, हाउ डू यू नो दैट यू आर गेटिंग द बेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑन योर केस। वेरी ट्रू सर, ये FOAIP मैं चेक करूंगा US का, आई थिंक दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट आई शुड गेट माय हैंड्स ऑन। सर लेकिन दो साल पहले इफ आई डोंट रिमेम्बर माय एप्लीकेशन नंबर टाइम के मेरे को मंथ याद है मैंने कब किया, तो उससे ढूंढ सकता हूं मैं? ढूंढ सकते हैं, जितना भी आपके पासपोर्ट नंबर है, आप डेट ऑफ बर्थ आपकी पता है आपको, उसके हिसाब से कितना को जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा दोगे उतनी जल्दी वो निकाल लेंगे, अदरवाइज बाद में चिट्ठी आ जाएगी कि वी कुड नॉट फाइंड समथिंग। सो अगर एप्लीकेशन नंबर है एप्लीकेशन नंबर तो सर ऑनेस्टली नहीं है मेरे पास, बट ऑफ कोर्स आई हैव माय पासपोर्ट डिटेल्स हैंडी, तो दैट्स द ओनली। जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ था वो डेट तो आपको याद होगी? So February में था, but I have to you have to find it out, you have to jog your memory, find out as much as possible कौन से आप एम्बेसी में गए थे, किस दिन था, और you know as much as information as you can remember, I think that would be helpful। जी yeah, all right, thank you very much sir for thank your you. time, and thanks for having me, thank you, all right, thank you, take care, bye, you too sir, bye bye।